सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडीज को और दबाइए इस घंटे को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन है, गिवेन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनादर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। और हमें यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन दी है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होनी चाहिए, मीन्स हमें यहाँ पर ये इक्वेशन दी है और हमें एक और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखना है इस तरह से कि अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन की जो लाइन्स होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर। तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन दी है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए जो कंडीशन होती है वो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर हम इन दोनों भी इक्वेशन के रेशियोज को अगर कंपेयर करें तो उसका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के, मीन्स इसके लिए जो हम दूसरी इक्वेशन लिखेंगे उसका रेशियो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 के इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा a1 b1 और c1 लिख लेते हैं। यहाँ पर a1 है 2, a1 इज इक्वल टू 2, b1 है 3 और c1 है माइनस 8, c1 इज इक्वल टू माइनस 8। एक्स का कोएफिशिएंट होता है a1, वाई का कोएफिशिएंट होता है b1 और कांस्टेंट टर्म होता है c1। तो अभी यहाँ पर हमें a2, b2 और c2 की वैल्यू पुट करनी है, तो कुछ इस तरह से पुट करनी है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a2 इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर हम b2 लिख देंगे b2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर जो हमारा a2 है 2 अपॉन 3 वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, 2 अपॉन 3 3 अपॉन 4 के इक्वल नहीं है और हमें ये शो करना है। तो यहाँ पर हम c2 की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हम पुट कर देंगे -3। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यूज ले लिए, तो अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर हमारा a1 अपॉन a2 है 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है 3 अपॉन 4। तो 2 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 4 के, 2 अपॉन 3 इक्वल नहीं है 3 अपॉन 4 के, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए यही कंडीशन होती है। तो हमें ऐसी इक्वेशन लिखना था इस इक्वेशन के साथ कि अगर उसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग आए, और यही हमने लिख दी है। यहाँ पर हमारा जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो अगर इस इक्वेशन को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, यहाँ पर a2 है 3 तो एक्स का कोएफिशिएंट हो जाएगा 3 प्लस b2 है 4 तो वाई का कोएफिशिएंट हो जाएगा 4y और यहाँ पर c2 है -3 तो कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो यही हो जाएंगी हमारी इक्वेशन। तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है पैरेलल लाइंस, तो हमें इस इक्वेशन के साथ एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसको अगर हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करें, मीन्स अगर हम उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होने चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिख लेंगे, हमें इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो अगर हम इस इक्वेशन के साथ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो लाइंस पैरेलल आएंगी। फॉर पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो फिर से हम यहाँ पर पहले a1 b1 और c1 लिख लेंगे। तो a1 है, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू -8। तो
तो अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर ए टू बी टू और सी टू क्या लिखना है। तो ए टू, ए टू इज इक्वल टू यहाँ पर ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखना है जिससे ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के इक्वल हो। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फोर, यहाँ पर हम फोर लिख लेंगे तो ये दोनों कॉमन टेबल में आ जाएंगे और ये आ जाएगा टू वन ज़ा टू और टू टू ज़ा फोर। यहाँ पर हम बी टू भी लिख लेंगे, बी टू इज इक्वल टू सिक्स, यहाँ पर भी आ जाएगा थ्री वन ज़ा थ्री और थ्री टू ज़ा सिक्स। तो हमने यहाँ पर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू शो कर लिया। तो यहाँ पर हमारा सी वन बी वन अपॉन बी टू के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कोई ऐसा नंबर लिख लेंगे जिसका रेशियो वन अपॉन टू ना है। यहाँ पर हम लिख लेंगे सी टू इज इक्वल टू इलेवन। तो ये दोनों कोई भी सेम टेबल में नहीं आते हैं तो इसका रेशियो वन अपॉन टू नहीं आएगा। तो इसे हम कंपेयर कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू है यहाँ पर हमारा टू अपॉन फोर, और बी वन अपॉन बी टू है थ्री अपॉन सिक्स। तो ये आ जाएगा टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, थ्री वन ज़ा थ्री एंड थ्री टू ज़ा सिक्स। ये आ जाएगा वन अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू, और यहाँ पर सी वन अपॉन सी टू आ जाएगा माइनस एट अपॉन इलेवन। यहाँ पर वन अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू इज नॉट इक्वल टू माइनस एट अपॉन इलेवन। तो हमारी ये जो कंडीशन है इसको हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो यही हो जाएंगी हमारी इक्वेशन। यहाँ पर हमने ए वन की वैल्यू रखी थी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस हमने बी टू की वैल्यू रखी थी 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6y, और हमने सी टू की वैल्यू रखी थी 11, तो यहाँ जाएगा प्लस 11 इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएंगी हमारी इक्वेशन। अगर हम ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो इनकी जो लाइन्स होंगी वो पैरेलल आएंगी। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर दिया है कोइंसिडेंट लाइन। तो अब हमें इस इक्वेशन के साथ एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि अगर हम उन दोनों इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें, तो उन दोनों इक्वेशन की जो लाइन है वो कोइंसिडेंट लाइन है, एक दूसरे को कोइंसाइड करे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है ये इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले ए वन इज इक्वल टू आ जाएगा 2, बी वन इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और सी वन इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 8। एक्स का कोएफिशिएंट ए वन होता है, वाई का कोएफिशिएंट बी वन होता है, और कांस्टेंट टर्म सी वन होता है। तो इसके लिए अब हमें लिखना है ए टू बी टू और सी टू। तो यहाँ पर जो कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइन के लिए वो हो जाएंगी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन होती है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। इसमें अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं तो इसके सारे रेशियो इक्वल होने चाहिए। मीन्स ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के इक्वल होना चाहिए, और बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4। यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। यहाँ पर है माइनस 8, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 16, तो ये भी आ जाएगा 1 अपॉन 2। अब इसके रेशियोज़ को हम कंपेयर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 16। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, और ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, और ये भी आ जाएगा 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो आ जाएंगी ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो हमारी जो इक्वेशन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पर भी ए वन अपॉन ए टू इक्वल है बी वन अपॉन बी टू के, और बी वन अपॉन बी टू इक्वल है सी वन अपॉन सी टू के, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, हमने यहाँ पर ए टू लिया है 4, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस यहाँ पर हमने बी टू लिया है 6, तो y का कोएफिशिएंट हो जाएगा 6y। हमने यहाँ पर c
C2 लिया है माइनस 16, तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो, और यही हो जाएगी हमारी इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को साथ में ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट लाइन आएंगी, मीन्स ये दोनों भी लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी। तो हमें यही शो करना था, और इस तरह के क्वेश्चंस को आप इन्हीं स्टेप्स फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं। इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। Thank you.